कर्नाटक में जारी है सियासी नाटक। कर्नाटक की राजनीति पर टिक गई है पूरे देश की निगाहें। येडियुरप्पा ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ, लेकिन सदन के भीतर साबित करना होगा बहुमत। बीजेपी को दिखाना होगा अपना पावर। क्या येडियुरप्पा बना पाएंगे अपनी सरकार? बीजेपी कैसे लगाएगी अपनी नैया पार? सियासत के इस नाटक पर भारी पड़ गया है शनि वॉर। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या येडियुरप्पा सीएम बने रहेंगे या येडियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि येडियुरप्पा वो फ्लोर टेस्ट का सामना ना करें और उससे पहले ही हो सकता है कि वो इस्तीफा दे दें, ताकि क्योंकि अगर फ्लोर पर जाते हैं तो वहां पर अगर बहुमत हासिल नहीं कर पाते हैं तो ये बीजेपी के लिए येडियुरप्पा के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी और कहीं ना कहीं पार्टी की इसमें किरकिरी भी हो सकती है। तो अभी जो खबर आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि येडियुरप्पा इस्तीफा दे सकते हैं। और एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस बीच ये बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर ये है कि येडियुरप्पा इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है, इससे पहले भी जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे थे, बहुमत परीक्षण से पहले इस्तीफा संभव है, येडियुरप्पा इस्तीफा दे सकते हैं। येडियुरप्पा ने मुरलीधरन और जावड़ेकर से इस बाबत बातचीत भी की है। तो कर्नाटक से ये बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं, येडियुरप्पा इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है, बहुमत परीक्षण से पहले इस्तीफा संभव है उनका। येडियुरप्पा ने मुरलीधरन और जावड़ेकर से भी इसके लिए बातचीत की है। दोनों से बातचीत करने के बाद ये फैसला उन्होंने किया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं, हालांकि थोड़ी देर में यह बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि 4 बजे का समय सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया था कि 4 बजे शनिवार 4 बजे शाम को बहुमत परीक्षण होगा और उसका सामना यहां पर येडियुरप्पा को आज करना था, बीजेपी को आज करना था। सवाल यहां पर बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। सवाल यही है कि क्या येडियुरप्पा सीएम बने रहेंगे या येडियुरप्पा को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं वो बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो अच्छी खबर उनके लिए नहीं है, क्योंकि येडियुरप्पा के इस्तीफा देने की खबर सामने आ रही है कि येडियुरप्पा इस्तीफा दे सकते हैं और वो फ्लोर टेस्ट का सामना ना करें, यानी कि बहुमत परीक्षण का वो सामना ना करें और उससे पहले ही इस्तीफा देने की उनकी खबर सामने आ रही है। इसकी एक वजह तो ये है कि फ्लोर पर जाने के बाद अगर वहां पर बहुमत नहीं मिलता है, वहां पर अगर जो एमएलए हैं जिनकी लगातार दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, अगर वो साथ नहीं देते हैं तो ऐसे में बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी और ये बीजेपी के लिए, येडियुरप्पा के लिए अच्छी बात नहीं होगी और आने वाले समय में कहीं ना कहीं बीजेपी इसका नुकसान उठा सकती है। और यही वजह है कि हाईकमान से कहीं ना कहीं ये निर्देश मिला है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, लगातार आपको हम बता रहे हैं कि पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि येडियुरप्पा इस्तीफा दे सकते हैं। और अगर येडियुरप्पा अगर इस्तीफा देते हैं तो सवाल यहां पर यह बन जाएगा कि क्या 2.5 दिन के सीएम ही यहां पर येडियुरप्पा सीएम रह पाएंगे। ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या 2.5 दिन के सीएम येडियुरप्पा रह पाएंगे अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो। और इन्हीं सवालों के बीच हमारे साथ प्रदीप नरूला जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ ओमकार चौधरी, जो कि संपादक हैं हरिभूमि के, वो भी इस चर्चा में शामिल हो जाएंगे और एक गंभीर चर्चा, एक लंबी चर्चा इस पूरे मसले को लेकर हम करेंगे, क्योंकि अभी भी 1 घंटे का समय है जब बहुमत परीक्षण होगा कर्नाटक विधानसभा।
तो ये बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति फिलहाल है और किस तरीके से किसके पास कितने आंकड़े हैं और कैसे कौन बाजी मारने की लगातार कोशिश कर रहा है। देखिए, चलिए थोड़ी देर बाद आपको हम दिखा पाएंगे, किसी कारणवश वो नहीं दिखा पा रहे हम ये आपको। लेकिन प्रदीप नरूला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि अब जो खबर सामने आ रही है बीजेपी के लिए खासतौर पर अच्छी बात नहीं है, अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं, फ्लोर टेस्ट का सामना ना करें। देखिए अमित, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने जो गेम खेला इसमें उसे कहीं भी अंदेशा नहीं रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट उनका खेल बिगाड़ सकता है। अगर बीजेपी के पास जिस तरह से ये गेम प्लान चला था, 15 दिन का समय होता तो ये बिल्कुल तय था कि बीजेपी फ्लोर टेस्ट में कामयाब हो जाती। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने रात के टाइम ही, कांग्रेस और जेडीयू ने रात के टाइम भी जेडीएस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वो पूरा प्रकरण 48 घंटे में सिमट के रह गया, तो 48 घंटे बीजेपी के लिए नाकाफी थे। हालांकि अभी तो 1 घंटा बाकी है, हम लोग सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम बहुमत साबित करके दिखाएंगे। येदियुरप्पा को भी हमने कल सुना, वो भी लगातार ये बात कह रहे थे कि हम बहुमत साबित करेंगे, विक्ट्री साइन भी वो लगातार दिखाते रहे। तो क्या आप ये मान रहे हैं, हालांकि अभी 1 घंटे का समय है, उसके बाद ही चीजें साफ हो पाएंगी, लेकिन फिर भी जो खबरें अभी तक सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर येदियुरप्पा इस्तीफा देते हैं और बीजेपी जो है वो बहुमत हासिल नहीं कर पाती है, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा थे यहाँ पर बीजेपी? देखिए हमें कल तक जितना कॉन्फिडेंस और जितना आत्मविश्वास झलकता था बीजेपी के नेताओं में, वो आज नहीं झलक रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि कई बार चेहरे और परिस्थितियों से पता लग जाता है कि हालात किस तरह के हैं, हालात का ऊंट किस करवट बैठ रहा है। और जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ, जिस तरह से कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट को बीच में लेकर और ये पूरे प्रकरण में जल्दबाजी दिखाई है, थोड़ा भी वक्त नहीं दिया गया बीजेपी को, उससे 100% ये जाहिर हो गया कि बीजेपी लॉस में है। और लॉस का मतलब ये है कि अगर आप लॉस में हैं तो फ्लोर टेस्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। लेकिन प्रदीप जी, इससे पहले भी हमने देखा है कई बार और राज्यों के जब विधानसभा के चुनाव हुए और जब ऐसी स्थिति बनी, तो वहां भी हमने देखा कि किस तरीके से ऐसी नौबत आई है जब सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से खलल देना पड़ा, मामला जो है कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा और समय को घटाया गया। जिस तरीके से यहां पर 14-15 दिन का समय था उसको घटाकर सिर्फ 28 घंटे में सीमित कर दिया गया, तो इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। तो क्या बीजेपी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि कांग्रेस और जेडीएस जो है वो वहां चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अमित, चलिए प्रदीप जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन फिलहाल मीम अफसल कांग्रेस के नेता कुछ कह रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कराने की कोशिश की जा सकती है और इस सारे मामले को लेकर के हम कोर्ट में गए हैं। प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर, देखिए प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, तीनों जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख तीनों जगह पर जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक तरफ लगातार हमारे फौजियों और हमारे सिविलियंस की जो है क्षति हो रही है, उनकी जान जो है वो जा रही है, वो शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार जो है वो दौरे में लगी है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री का जो दौरा है वहां उनको अश्योर करना चाहिए कि अब घाटी के अंदर वो और खासतौर पर जिन इलाकों के अंदर आतंकवाद का ज्यादा असर है उन इलाकों पर खसूसी तवज्जो देते हुए सिर्फ ये नहीं सोचे कि हमें लड़ाई लड़नी है, जवाब देना है, अब इस मसले को किसी भी तरह से हल करने की कोशिश करना चाहिए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल को आप सुन रहे थे, कांग्रेस की ओर से वो प्रवक्ता के रूप में भी आप उनको टीवी चैनल्स की जो डिबेट है उसमें भी देखते रहे हैं। और चलिए एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उठा पटक का ये दौर लगातार जारी है और किसके पास कितने आंकड़े हैं और कैसे शहर मात का ये खेल चल रहा है।
कर्नाटक में सियासी संग्राम जारी है। चुनाव में यहाँ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से चंद कदमों की दूरी ने येदुरप्पा और बीजेपी के बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी। इस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा एक ऐसे दुराहे पर खड़े नजर आ रही हैं, जहां से एक रास्ता सत्ता के गलियारे में जाता है तो दूसरा विपक्ष में बिठाता है। कर्नाटक के सियासी संग्राम में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि येदुरप्पा शनिवार की शाम 4 बजे तक सदन के भीतर बहुमत साबित करें। उधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद येदुरप्पा भी सामने आए और दावा किया कि वो सदन के भीतर 100% बहुमत साबित करके दिखाएंगे। येदुरप्पा का कहना है कि वो इस मसले पर मुख्य सचिव से बात करेंगे और सदन में बहुमत साबित करने के लिए सत्र बुलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट नाउ आई विल गो डिस्कस विद चीफ सेक्रेटरी टुमारो आई विल कॉल फॉर असेंबली सेशन एंड अदर प्रोसीजर्स विल फॉलो। बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस के लिए शनिवार का दिन बहुत खास है। सदन के भीतर बहुमत साबित करने के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद अस्थाई स्पीकर ही विश्वास मत परीक्षण के आदेश देंगे। हालांकि शनिवार को सदन के भीतर मुख्यमंत्री येदुरप्पा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या येदुरप्पा फ्लोर टेस्ट में पास होंगे या फिर शनि का वार उन पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 3:15 का वक्त हो चुका है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं चर्चा में आगे बढ़ने से पहले। और बड़ी खबर यह आ रही है कि येदुरप्पा ने अमित शाह से बातचीत की है। शक्ति परीक्षण से पहले अमित शाह से बातचीत की है येदुरप्पा ने, यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर और मुरलीधरन राव से वो पहले ही बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अब ये दोनों मीडिया से बातचीत करेंगे, ये भी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, शक्ति परीक्षण से पहले अमित शाह से बातचीत हुई है येदुरप्पा की। प्रकाश जावड़ेकर और मुरलीधर राव से जो है ये दोनों मीडिया से बातचीत करेंगे, ऐसी खबर अभी सामने आ रही है। येदुरप्पा से अमित शाह ने ये बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं, शक्ति परीक्षण से पहले अमित शाह से बातचीत हुई है येदुरप्पा की। प्रकाश जावड़ेकर और मुरलीधर राव से भी बात उन्होंने की थी, लेकिन मीडिया से ये दोनों बात करेंगे, ऐसी खबर भी अब सामने आ रही है। प्रदीप नरूरा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, पहले प्रकाश जावड़ेकर से बात करना, मुरलीधर राव से बात करना, और उसके बाद अब खबर आ रही है कि अमित शाह से बात कर रहे हैं यहाँ पर येदुरप्पा, उनसे भी बातचीत की है। संकेत साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में बेचैनी है, ये माना जाए? निस्संदेह जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है और जिस तरह से आला नेताओं से बात करके येदुरप्पा आगे की प्लानिंग सेट कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि वो शायद कहीं ना कहीं फ्लोर पर अपना गेम हारने की स्थिति में है। और निसंदेह जैसा घटनाक्रम हुआ कल से, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो चीजें सामने आई, एक लिमिटेड टाइम सामने रहा और उस लिमिटेड टाइम में पहले ही कांग्रेस ने और जेडीएस ने अपने पूरे विधायकों को काबू में कर लिया, ऐसी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि उसमें तोड़फोड़ या हाउस ट्रेडिंग की चीजें सामने आ सके। और इसी बीच सारा खेल बिगड़ गया कि जब उनको सिर्फ 28 घंटे का समय मिला, और वो 28 घंटे शायद ना काफी थे,
क्योंकि बीजेपी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ये तो बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद समय की कमी होगी, लेकिन समय इतना कम हो जाएगा, सिर्फ एक दिन यानी कि 28 घंटे एक दिन के बराबर ही है, और एक दिन से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा, जो ना काफी था। लेकिन फिर भी अमित शाह के बारे में, मोदी के बारे में कहा जाता है, अमित शाह के बारे में खास तौर पर कि बहुत बड़े चाणक्य वो हैं, कब क्या कोई कर हो जाए, कब कैसे वो जुगाड़ कर लें, कुछ कहा नहीं सकता जा सकता। आपको लगता है कि अभी भी बीजेपी कोई जुगाड़ कर पाएगी, या जुगाड़ उसने पहले बिठा लिया होगा, कोई ना कोई सेटिंग उसकी होगी, और तभी बीजेपी के जो तमाम नेता हैं इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? देखिए अमित, आज दिन में जब तक सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, बीजेपी नेताओं में एक आत्मविश्वास था और कॉन्फिडेंट था, लेकिन अब जिस तरह से घटनाक्रम और तेजी से बदल रहा है, और वो अपने नेताओं के संपर्क में हैं और बातचीत कर रहे हैं, और आला नेताओं से यहाँ तक कि अमित शाह से भी बात कर ली गई है, उस प्रकरण में ऐसा लगता है कि वो शायद कहीं ना कहीं बाजी हारने की स्थिति में है। क्योंकि जिस तरह के कांग्रेस के 2 MLA का गायब हो जाना और फिर उनका वापिस आ जाना, तो ये सारे प्रकरण में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बाजी अब निकलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रदीप जी, पहले कांग्रेस के मन में ये डर था, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि ये दोनों विधायक वापस आ गए, अब ये हमें ही वोट करने वाले हैं, यानी कि कांग्रेस और जेडीएस के पक्ष में ही वो वोट करेंगे। चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, छोटे से ब्रेक ले, और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि जो बहुमत परीक्षण आज होना है, जो शक्ति परीक्षण आज होना है, बहुत बड़ा बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसे बीजेपी कैसे पूरा करेगी, कैसे इससे पार पाएगी। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक विधानसभा में अब से कुछ ही देर में शक्ति प्रदर्शन होगा, 4 बजे का वक्त रखा गया है, और सदन के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, विधानसभा सदस्य सदन में पहुंचने भी अब शुरू हो गए हैं, करीब आधे घंटे के बाद शुरू होगा शक्ति परीक्षण। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 4 बजे का वक्त रखा गया था, और अब तकरीबन 35 मिनट इसमें बाकी रह गए हैं। सदन के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी लगातार जारी है, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर माहौल जो है वो काफी गरमाया हुआ नजर आ रहा है, और जो MLA हैं उनको भारी सुरक्षा के बीच विधानसभा पहुंचाया गया है। सदन के बाहर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, इसके साथ ही सुरक्षा पहरा भी काफी कड़ा देखने को मिल रहा है, और जनता टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसकी आपको हम दिखा रहे हैं। जनता टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे कर्नाटक से आप फिलहाल देख रहे हैं। करीब आधे घंटे के बाद शक्ति परीक्षण शुरू होगा, लेकिन शक्ति परीक्षण में बाजी मार पाएंगे येदुरप्पा, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर अभी भी बना हुआ है, और किस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती आज बनी हुई है। हालांकि पूरे इलाके में धारा 144 पहले ही लागू कर दी गई है, बावजूद इसके काफी गहमागहमी, काफी तनावपूर्ण माहौल जो है वो यहां देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि JDS कांग्रेस की ओर से बीजेपी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, और अब से कुछ देर पहले खबर ये भी आई कि बीजेपी की ओर से, खासतौर पर येदुरप्पा के बेटे की ओर से, जो विधायक हैं उनकी पत्नियों को फोन किए गए, उनको मंत्री पद और 15 करोड़ का ऑफर भी किया गया। तो ये तमाम तरह की चीजें जो हैं वो अभी भी चल रही हैं, लेकिन अब ज्यादा वक्त अब नहीं रह गया है, और ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं आप किस तरीके से जबरदस्ती उनको अंदर यहां पर विधायकों को ले जाया जा रहा है, और कुछ विधायक इसमें अपनी असहमति भी जता रहे हैं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस JDS हो चाहे बीजेपी, सभी जानते हैं कि एक एक वोट बहुत ज्यादा कीमती है, अब एक एक MLA बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यही वजह है कि इस तरीके की जो गहमा गहमी है वो लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस हम की बात करें चाहे हम JDS की बात करें, इन सभी ने अपने अपने विधायकों से साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के आपस में किसी की दोस्ती है, किसी से JDS और बीजेपी के किसी विधायक की आपस में अगर दोस्ती है, तो वो भी आपस में बातचीत नहीं करेंगे।
पांच बजे तक बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि पांच बजे तक आप किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे और कांग्रेस जेडीएस जो विधायक हैं वो एक साथ रहेंगे, बीजेपी के जो विधायक हैं वो अलग रहेंगे, यानी कि किसी से किसी को बातचीत करने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक लोकतंत्र में कहीं ना कहीं एक नई परंपरा की शुरुआत शायद ऐसा लग रहा है कि हो रही है, जहां पर अगर आप एक दूसरे के दोस्त हैं वो बात अलग है कि आप अलग अलग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग पार्टी के एमएलए हैं, लेकिन आपको बात तक नहीं करने दी जा रही है। किस तरीके से आपको होटल में ये भी खबरें आई कि बंधक बना के रखा गया है कांग्रेस के दो एमएलए को, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वहां के डीजीपी जो है वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद उनको वहां से वो लेकर जाते हैं। और ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं, लगातार ये सीधी तस्वीरें जनता टीवी पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद, क्योंकि 3:28 का समय अभी हो रहा है और 4 बजे बहुमत परीक्षण होगा कर्नाटक विधानसभा के अंदर, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, येदुरप्पा के चेहरे पर कहीं ना कहीं जो खुशी जो पहले देखने को मिल रही थी वो अब नजर नहीं आ रही है। इसके क्या मायने निकाले जाएं, ये एक यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि येदुरप्पा जो लगातार विक्ट्री साइन दिखा रहे थे, लगातार ये दावा कर रहे थे, कल भी उन्होंने दावा किया कि हमें पूरा भरोसा है 101% हम शक्ति परीक्षण में पास होंगे, बहुमत हम हासिल करेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके चेहरे की जो रंगत है वो बदली हुई नजर आ रही है और मन में मायूसी जो है वो भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि येदुरप्पा क्या कर्नाटक के सीएम बने रहेंगे या येदुरप्पा सिर्फ 2.5 दिन के सीएम ही रहेंगे। हालांकि ये साफ हो पाएगा अब से कुछ देर के बाद, 4 बजे बहुमत परीक्षण होगा, 4:30 बजे तक शायद ये तस्वीर जो है वो पूरे तरीके से साफ हो जाए। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कर्नाटक में हमें देखने को मिला है, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि कर्नाटक में जो राजनीतिक गहमागहमी पिछले एक हफ्ते में देखने को मिली है शायद इससे पहले कभी इस तरीके से देखने को मिली हो, और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक नई तरीके की राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं, प्रदीप नरूला जी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इससे पहले भी उनसे हम चर्चा कर रहे थे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ ही ओमकार चौधरी भी हमारे साथ हैं, जो कि संपादक हैं हरिभूमि के। इन दोनों से भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें फिलहाल आप बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए, और इसीलिए इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से अब जो है जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे शुरू होना शुरू हो गई है कर्नाटक विधानसभा की, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं जनता टीवी पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा में अब से कुछ ही देर में शक्ति परीक्षण होगा। जो आंकड़े हैं एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, हालांकि जो आंकड़े हैं वो लगातार आपके सामने चल ही रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, तो शायद आप इन आंकड़ों को जान ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, बीजेपी के पास सिर्फ 104 विधायक है, बीजेपी के पास सिर्फ 104 सीटें हैं। वहीं जेडीएस की अगर हम बात करें तो 38 उसके पास है, कांग्रेस की बात करें तो 78 उसके पास है। हालांकि जो बाकी जो चीजें हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि अब यहां पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि कौन विधायक किसके पक्ष में वोट करेगा, क्या क्रॉस वोटिंग होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं तो कम भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो लिंगायत विधायक हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वो येदुरप्पा के पक्ष में वोट कर सकते हैं, क्योंकि लिंगायत विधायक जो कांग्रेस के हैं खासतौर पर वो जेडीएस के साथ जाने से नाराज बताए जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो जेडीएस के साथ ऐसे कैसे गई, इस बात को लेकर वो नाराज बताए जा रहे हैं, और लिंगायत समुदाय से ही येदुरप्पा जो है वो संबंध रखते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जो लिंगायत विधायक हैं क्या वो येदुरप्पा का साथ देंगे, अगर वो येदुरप्पा का साथ देते हैं तो तकरीबन ऐसे विधायकों की संख्या 13 से 14 बताई जा रही है, और ऐसे में ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है तो बीजेपी जो है वो बहुमत हासिल कर लेगी। और एक स्थिति इसमें यह भी बन रही है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं या जेडीएस के कुछ ऐसे विधायक जो क्रॉस वोटिंग कर दें तब भी बहुमत यहां पर हासिल हो सकता है, कुछ विधायक ऐसे हैं जो गैर हाजिर हो जाएं, तो बहुत सारी परिस्थितियां जो हैं इसमें बन रही हैं। लेकिन इसकी तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको क्योंकि ये रोचक इतनी हो गई है लड़ाई, या यूं कहें कि आईपीएल का जो 2020 मैच होता है ना उससे ज्यादा रोचक, उससे ज्यादा कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी और एक दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस और जेडीएस है, कोई भी किसी से
कम यहां पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जेडीएस और कांग्रेस की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि जीत हमारी होगी, वहीं बीजेपी भी लगातार ये बात कह रही है कि बहुमत परीक्षण जो होगा उसमें हमारी जीत होगी, 101% हम जीतेंगे। लेकिन आज सुबह भी हमने देखा प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, सुप्रीम कोर्ट गई, हालांकि वहां से राहत नहीं मिल पाई, लेकिन इतना जरूर हुआ कि इस पूरे प्रकरण की यानी कि जो शक्ति परीक्षण होगा इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, इसका सीधा प्रसारण होगा और वहां के जो लोकल चैनल्स हैं कर्नाटक के उनको इसकी बाकायदा एक सीडी भी मुहैया कराई जाएगी। और इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी संतुष्टि जताई और कांग्रेस का कहना है कि इससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहेगी। देखिए कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें भी इससे पहले आपको हम दिखा रहे थे और जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कांग्रेस नेताओं ने घोड़ा को घेरा है। कांग्रेस का बीजेपी पर एमएलए अगवा करने का आरोप है, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है हमारे एक विधायक को अगवा किया गया है, ये डीके हरिप्रसाद की ओर से कहा गया है। कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही अब शुरू हो चुकी है क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं रह गया है और 4 बजे शक्ति परीक्षण होगा जिसका सीधा प्रसारण किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ की गुंजाइश यहां पर ना रहे, क्योंकि सवाल कांग्रेस उठा रही है और प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। लेकिन अब यहां पर आपको हम बता रहे हैं, देखिए डीके शिवकुमार ने सभी विधायकों को निर्देश दिया कि वो सदन से बाहर ना जाएं। होटल गोल्ड फिंच में मिले कांग्रेस के दोनों विधायक आनंद सिंह और प्रताप घोड़ा, दोनों विधायक कार्यवाही के लिए सदन में नहीं पहुंचे थे। ये हम समयवार आपको बता रहे हैं, ये दोपहर 1 बजे की बात है जब कांग्रेस ने एक ऑडियो जो है क्लिप जारी की थी। नई क्लिप में बी एस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने कांग्रेस विधायकों को जेडीएस के जो विधायक है उनको खरीदने की कोशिश की है। बीजेपी के विधायक सोमशेखर रेड्डी भी सदन में नहीं पहुंचे थे। तो ये किस तरीके से पूरा घटनाक्रम आज रहा वो आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस के एमएलए को बीजेपी विधायकों से संपर्क न करने का आदेश भी जारी किया गया, 1:35 का ही ये वक्त रहा। और तो ये हम आपको बता रहे हैं समय के हिसाब से, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कर्नाटक का ये सियासी घटनाक्रम या कहें यूं कहें कि कर्नाटक का ये सियासी नाटक लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। दोनों विधायक कार्रवाई के लिए सदन में नहीं पहुंचे थे, 1:20 की ये बात है। और 1 बजे की बात करें तो कांग्रेस ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया था और इस ऑडियो क्लिप के जरिए ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया था कि बीजेपी की ओर से जो कांग्रेस और जेडीएस के जो एमएलए हैं उनकी पत्नियों को फोन किया जा रहा है और फोन करके उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप अगर बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे तो आपको 15 करोड़ रुपए या फिर मंत्री पद दिया जाएगा, ऐसा लालच दिया गया। हालांकि ये जो सीढ़ी सामने आ रही है ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जेडीएस और कांग्रेस बीजेपी को घेरने का किसी तरह का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे एक बार फिर से, जो हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में उनसे एक बार परिचय आपका फिर से करा देते हैं। प्रदीप नरूला जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके साथ ही ओमकार चौधरी जी जो कि संपादक हैं हरी भूमि हरियाणा के। ओमकार जी सवाल मेरा अब आपसे रहेगा, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि खबर यहां तक आ रही है कि येदियुरप्पा फ्लोर टेस्ट में भाग ना लें और उससे पहले वो इस्तीफा दे दें, इसकी संभावना आपको नजर आ रही है? नहीं, ये बात कह कौन रहा है? ये बात कहे कोई नहीं रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। नहीं, कांग्रेस के किसी नेता ने कहा? नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। और इसका जी ओमकार जी, आधा घंटा पहले कांग्रेस के नेता ने ये बात कही है कि वो शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे देंगे। तो इस तरह की बयानबाजी का तब तक मेरे विचार से कोई मतलब नहीं है जब तक के शक्ति परीक्षण हो ना जाए। दावे प्रतिदावे आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, आप भी और हम भी पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं। बिल्कुल, पहले कहा गया था कि 100 करोड़ रुपए का ऑफर है एक एक एमएलए के लिए, अब कहा जा रहा है कि 15 करोड़ का है। तो इन बयानों में कितनी सत्यता है और कितने ये तार्किक हैं, कितने तथ्य परक हैं, ये इस तरह के माहौल में इस तरह की पेशबंदी हमेशा होती है। और ये कोई एक पार्टी का सवाल नहीं है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर शक्ति परीक्षण कर रही है अपना,
अपना बहुमत साबित करने की कोशिश कर रही है, तो इसी तरह की परिस्थितियां अलग अलग स्टेट में दूसरे दलों के सामने भी निर्मित हो सकती हैं, तब शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी तरह के आरोप लगाते हुए दिखाई दे। अच्छा, एक बात ये बताइए, मोटे तौर पर हम अगर इसका पूरे घटनाक्रम का आकलन करें तो कर्नाटक में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत मिला नहीं है, तब ये परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। अब स्पष्ट बहुमत किसी ना किसी को साबित करना है, तो साबित करने के लिए आप क्या करेंगे? अगर आप नैतिकता का लबादा ओढ़ करके बैठे रहेंगे, दूसरे दलों से अगर आप संपर्क नहीं करेंगे, तो आप कैसे बहुमत साबित करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो 104 ही हैं, जिसमें से एक रेड्डी बंधु आए नहीं है, तो 103 रह गए हैं। और ये सबको पता है कि कांग्रेस के 78 हैं, जेडीएस के 37 हैं, दो निर्दलीय हैं। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के विधायकों का समर्थन हासिल नहीं करेगी, तब तक वो बहुमत साबित कर ही नहीं सकती है। तो अगर येदुरप्पा का बेटा या दूसरे विधायक या जो भी उनके पदाधिकारी हैं, वो अगर उनसे संपर्क कर रहे हैं, तो इसमें मुझे कुछ भी अनहोनी नहीं लग रही है। वो संपर्क नहीं करेंगे तो वो उनको इसके लिए राजी कैसे करेंगे? लालच दिया जा रहा है, पैसे का लालच है, उसका उसकी जांच होनी बाकी है कि वाकई लालच दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की आजकल राजनीति होती है इस देश में, उसमें मैं इससे भी इनकार नहीं करता, इस संभावना से भी इनकार नहीं करता कि समर्थन लेने के लिए आप किसी को लोभ लालच नहीं देते होंगे, चाहे संकेतों में, चाहे पदों के, क्योंकि सरकार जब किसी की स्टेट में होती है तो उसके पास केवल मंत्री पद ही नहीं होते हैं, और बहुत सारे लाभ के पद होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में आप इंडिकेशन दे करके उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। तो हम अगर इस दौर में बैठ करके वो उच्च मानदंड, नैतिकता, मूल्य मर्यादाएं, गरिमा, वो सारी चीजें ढूंढेंगे, तो मुझे लगता है कि वो अब तो येन केन प्रकारेण चाहे कोई भी दल है, वो अपनी सरकार बनाने पर आमादा रहता है। अब आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस को पिछले सदन में 122 का समर्थन था, वो घटकर के इस विधानसभा में 78 पर आ गई, यानी उसके 43-44 एमएलए घट गए। जेडीएस को पिछले सदन में 40 एमएलए का समर्थन हासिल था, वो घटकर के 37 पे आ गई। अब जो दो दल ऐसे हैं जिनकी सदस्य संख्या घटी है, यानी जिनको कर्नाटक की जनता ने नकारा है, कांग्रेस को भी एक तरीके से खारिज किया है कि आप सरकार नहीं चला सकते, जेडीएस के भी सदस्यों में कमी आई है, लेकिन जिसको लोकप्रिय जनादेश मिला है 104 एमएलए का, और जो बहुमत से करीब करीब 7 या 8 एमएलए दूर खड़ी है, उसको रोकने के लिए दो हारी हुई, या कहना चाहिए कि ठुकराई हुई पार्टियों ने हाथ मिला लिए, और वो दावा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक कि साहब जनादेश तो हमारे साथ है। मतलब इससे बड़ा मजाक कोई दूसरा हो नहीं सकता है। आधे घंटे बाद सदन में क्या होगा, कौन बहुमत जीतेगा, कौन हारेगा, ये एक जुदा बात है, लेकिन असलियत में अगर हम नैतिकता की ही बात करें, अगर हम मर्यादा की ही बात करें, अगर हम जनादेश की ही बात करें कि लोकप्रिय जनादेश किसके पक्ष में है, तो भी ये आपके जेडीएस और कांग्रेस जो है वो दोनों गलत जगह खड़े हुए दिखाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी सही जगह खड़ी हुई दिखाई देती है, उसके दावे में फिर भी दम लगता है, लेकिन चूंकि उसके पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत के लिए प्रयास कर रही है, तो इसलिए तमाम तरह के हमले उस पर हो रहे हैं, और एक ऐसा अजीबोगरीब सा वातावरण बना दिया गया है मीडिया के द्वारा भी कि जैसे भारतीय जनता पार्टी तो पाप कर रही है 104 एमएलए लेकर के, और ये जिन्होंने अपना जनादेश खो दिया है वो उनके साथ शायद अन्याय हो रहा है। मतलब एक अजीबोगरीब सा माहौल देश में देखने को मिल रहा है। ठीक है प्रदीप जी, जी इस जो भी आज होगा, जो शक्ति परीक्षण होगा विधानसभा के अंदर, इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया, इसे हम कैसे देखें? क्योंकि कांग्रेस इस फैसले को लेकर संतुष्ट है और उसका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है तो इससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहेगी। नहीं देखिए, हमें लाइव प्रसारण से कोई ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी इसके कोई मायने नहीं है।
जिसने जो शाम दंड भेंट जो अपनाना है वो अपनाना है, और कोई बंद कमरे में या ऐसा कोई माहौल नहीं है, सभी लोग वहां उपस्थित हैं, सारे एमएलए वहां उपस्थित हैं, वो भी एक तरह का लाइव है, आप उसको सीधा प्रसारण कर लिए जनता के सामने, या दो दिन बाद या दो घंटे बाद या एक घंटे बाद बाहर आके जो लोग बताएंगे वो भी लाइव है, तो वो एक लाइव प्रसारण से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि अंदर क्या होगा और क्या लाइव प्रसारण की वजह से नहीं हो पाएगा। जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष जो जो संभावनाएं उनकी हैं, जो जो उनके इस तरह की नीतियां या उस तरह के उनके दाव पेच हैं, वो निस्संदेह खेले जाएंगे, उसमें लाइव प्रसारण में मेरे हिसाब से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये सीधी तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं जहां पर विधानसभा की जो कार्यवाही है वो फिलहाल चल रही है, वो शुरू हो चुकी है और लगातार ये कार्यवाही चल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा ओमकार जी, क्योंकि बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इसको लेकर है, और येदियुरप्पा ने कल भी कहा कि 101% हम बहुमत साबित करके आपको दिखाएंगे, लेकिन आज अगर चेहरे को आप देखें, एक ऑब्जर्वेशन है, हालांकि ज्यादा इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी चेहरे की जो रंगत है वो उस तरीके की नजर नहीं आ रही है जो कल थी। आज सुबह के बयान में भी उनके देख रहा था, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो 5 बजे जश्न मनाने के लिए तैयार रहे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट, और जो बीजेपी के दूसरे पदाधिकारी भी वहां डेरा डाले हुए हैं, और सुबह तक तो उनकी भी भाव भंगिमाएं और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज जिसको आप कहते हैं आजकल, वो दुरुस्त दिखाई दे रही थी, सब कुछ प्लस ही लग रहा था कि सब ठीक है और वो बहुमत हासिल कर लेंगे। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, आपकी बात में सच्चाई है, अगर आप येदियुरप्पा के चेहरे को देखें, उनकी फेस रीडिंग करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से एक हल्का सा तनाव उनके चेहरे पर पसरा हुआ है, और इसको मैं अस्वाभाविक भी नहीं कहता हूं, क्योंकि जब तक पत्ते खुल नहीं जाते हैं, जब तक वोटिंग हो नहीं जाती है सदन के भीतर, तब तक वो जो एक तनाव है वो एक स्वाभाविक है, बिल्कुल वो अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ मैनेज किया भी है, पार्टी के पदाधिकारियों ने मैनेज किया भी है, तो वो 100% वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसकी शंका कहीं ना कहीं मन में बनी रहती है। और यही वजह है कि येदियुरप्पा के चेहरे पर वो साफ तौर पर फिलहाल दिखाई दे रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रोक रहे हैं, और ब्रेक के बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बहुत ज्यादा करीब होंगे जब विधानसभा में हमें बहुमत परीक्षण देखने को मिलेगा। जल्द लौट रहे हैं।